नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1995 में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। यह इसलिए भी आवश्यक है कि अनेक बार अनेक प्रश्न रिपीट होते हैं। पहला देखिए कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग शासक नरसिंह देव प्रथम जी ने करवाया था। पूर्वी गंग शासक नरसिंह देव प्रथम जी ने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा देखिए कि याज्ञवल्क स्मृति पट्टिका दो महत्वपूर्ण लोगों ने लिखा है। पहला देखिए विज्ञानेश्वर जी ने लिखा है, नाम है मिताक्षरा। और इस प्रकार यह मध्यकाल का विधि ग्रंथ कौन सा है? मिताक्षरा। और दूसरे शिलाहार के राजा अपरार्क जी ने भी लिखा है याज्ञवल्क स्मृति पर टीका। दूसरा देखिए कि मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु जी समकालीन थे, प्रश्न यह पूछा था। तो मीराबाई जी का कार्यकाल देखिए 1499 ईस्वी से 1546 ईस्वी तक है, और चैतन्य महाप्रभु जी का कार्यकाल मतलब इनका जीवन है 1486 से लेके 1533 तक। इस प्रकार दोनों लोग समकालीन थे। इसी प्रकार देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो गोस्वामी तुलसी जी का जीवन काल है 1532 ईस्वी से लेके 1623 ईस्वी तक, और अकबर का जो शासन है वो है 1556 से लेके 1605 तक, और अकबर के बाद इसका पुत्र जहांगीर शासक बना, इसका कार्यकाल है 1605 ईस्वी से लेके 1628 ईस्वी तक। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे। नेक्स्ट है इसी प्रकार से देखिए कि गुरु नानक जी, कबीर दास जी और सिकंदर लोधी ये तीन लोग समकालीन थे, क्योंकि गुरु नानक जी का कार्यकाल है मतलब इनकी जीवन का कार्यकाल है 1469 ईस्वी से लेके 1538 ईस्वी तक। कबीर दास जी महाराज का जीवन काल है 1440 ईस्वी से लेके 1519 ईस्वी तक, और सिकंदर लोधी का शासन काल है 1489 से लेके 1510 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था देखिए दोस्तों कि अकबर ने जरी कलम उपाधि किसे प्रदान किया था। तो अकबर ने जरी कलम उपाधि मोहम्मद हुसैन को प्रदान किया था। नेक्स्ट देखिए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा है। प्रश्न पूछा था यह कि यह किस शैली में है, तो यह मुबैयान शैली में है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में है, और शैली कौन सी है? तो मुबैयान शैली में है देखिए। और इसमें ने बाबर ने अपनी का आत्मकथा बाबरनामा में भारत के दो सबसे महान शक्तिशाली को माना है, दो लोगों को सबसे शक्तिशाली शासक माना है। पहला देखिए मेवाड़ के राजा राणा सांगा को, इनका कार्यकाल है शासनकाल है 1508 से लेकर 1528 तक। और दूसरे किसे माना है? तो विजयनगर के कृष्णदेव राय को, और कृष्णदेव राय जी का शासनकाल है 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक। मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बारे में दो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। पहला कि मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने घटोली का युद्ध किया था 1517 से लेकर 1518 के बीच में, और इसमें इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। दूसरा कि मेवाड़ के राजा राणा सांगा का युद्ध बाबर के साथ हुआ था, जिसका नाम था खानवा का युद्ध 1527। इसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की पराजय हुई थी। और कृष्णदेव राय जी के संबंध में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इनके शासनकाल में पुर्तगाल के दो नागरिक पायस एवं बारबोसा, आए थे किसके? विजयनगर के कृष्णदेव राय जी के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम जब लागू हुआ, तो उसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस भारत शासन अधिनियम 1919 का 10 वर्षों की पर इसकी समीक्षा की जाएगी कि क्या खोया क्या पाया। तो इसी आधार पर इसकी 1919
29 में होना था, इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग गठन, किंतु जो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी उस समय शासन कर रही थी उससे यह लगा कि दो साल बाद अर्थात 1929 में लेबर पार्टी की सरकार आ सकती है जो भारत के पक्ष में एक आयोग बना सकती है। इसलिए उस समय की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने दो वर्ष पूर्व 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन कर दिया और इस साइमन कमीशन में सभी सात अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हो रहा था, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। और साइमन कमीशन का गठन देखिए 1927 ईस्वी में हुआ, 1928 ईस्वी और 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन दो बार भारत आया और भारत के हर जगह उसका विरोध हुआ। फिर देखिए साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। पहला था 1930 में, दूसरा था 1931 में और तीसरा था 1932 में। तीन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ और इन्हीं तीन गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। और जब श्वेत पत्र प्रस्तुत किया तो श्वेत पत्र पर विचार हेतु दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन हुआ। ब्रिटेन की जो संसद थी तो उसके दोनों जो सदन थे उन दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में। तो इसका संयुक्त प्रवर समिति का काम क्या था? ये जो श्वेत पत्र आया था और उस पर विचार के लिए श्वेत पत्र क्या था कि जो अधिनियम भारत में नया आएगा उसके प्रावधान थे उसमें, वही श्वेत पत्र था। तो जो ये संयुक्त प्रवर समिति गठन की गई थी ब्रिटेन के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर, तो इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक ब्रिटिश संसद में दिसंबर 1934 में रखा गया और उसके बाद दोनों सदनों के द्वारा पारित हुआ। फिर सम्राट की अनुमति मिलने के बाद 2 अगस्त 1935 को इसे कानून बन गया, या कानून बन गया। तो 1935 का अधिनियम का एक पूरा एक प्रोसेस था जिसकी प्रक्रिया साइमन कमीशन के साथ ही आरंभ हो गई थी और 2 अगस्त 1935 को यह एक्ट मतलब लागू हो गया था। और 1937 का जो चुनाव हुआ भारत में, प्रांतीय चुनाव 1937 का, यह 1935 के एक्ट के आधार पर हुआ था और कांग्रेस को 5 ब्रिटिश प्रांतों में बहुमत, पूर्ण बहुमत मिला था। टोटल उस समय ब्रिटिश कितने प्रांत थे? 11 थे, उसमें से 5 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, किंतु थोड़े दिनों बाद 3 और राज्यों में उसे मतलब गठबंधन करके सरकारें बनाई। इस प्रकार टोटल देखिए 8 प्रांतों में कांग्रेसों की सरकार बनी। कब? 1937 के चुनाव में। उस समय ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11 और 11 में से 8 में कांग्रेस की गठबंधन सरकारें मिली और 5 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। फिर देखिए जो सरकार बन गई तो ये 28 महीने चली, यह प्रश्न भी पूछा था। और 28 महीने के बाद 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को ये जो प्रांतीय कांग्रेस की सरकारें थी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और कांग्रेस की ये सरकार ब्रिटिश की नीतियों से असंतुष्ट थी। और इस प्रकार जब 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। फिर देखिए उसके बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चला और इससे ब्रिटिश सरकार बहुत कमजोर हो गई। फिर भारतीय नौसेना का आंदोलन था वो भी चल गया और इसके बाद क्रमशः सरकार कमजोर होती गई ब्रिटेन की और 15 अगस्त 1947 को देश लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद आज़ाद हो गया। तो ये था 1995 का UPSC प्रीलिम्स में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।